Hello friends, welcome to Kalinga IAS. I am Rosaline Paruda. Friends, ame kon kariba na jo Opsc ra Odisha Civil Service exam au 1 month bhitare hi hebar achi, maximum February last week kimba March first week sudha hebar achi. To ame janiche je to ei exam pai prelim exam pai jo previous year question bahut important karan prior time question sabu रिपीट हुए तो सेथि पई आमे गोटे सीरीज स्टार्ट करिया को जाउछो जोथरे कि आमे टॉपिक वाइज 2018 रु 2006 जाए प्रीवियस ईयर जहा जहा क्वेश्चन पड़ी छि तो सब टॉपिक वाइज फर्स्ट आमे ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तापर पॉलिटी तो एमति सब टॉपिक जहा जहा पड़ी छि तो सब उडा को डिस्कशन करिया को जाउछे ओके तो फर्स्ट आमे एटा जो स्टार्ट करिछु तो मु एतरे ज्योग्राफी जो अछि हमरो तो ईयर वाइज 2018-17 एंदी करके 2006 जाए जहाँ क्वेश्चन पड़ी छि सबुडा डिस्कशन करबा जेहेतु एटा ओडे स्टैटिक टॉपिक तेनु क्वेश्चन जो चेंज हेबार नाही ओके तो लेट्स स्टार्ट तो हमें ए जो माने जो कलिंग कॉम्पिटिटिव एकेडमी तो हमरो यूट्यूब जो चैनल अछि तो सेथिरे ओके तो ए जो यूट्यूब चैनल अछि तो जो माने ए जो सीरीज पूरा फॉलो करिया को चाहू जंती तो तमे ए जो सब्सक्राइब बटन अछि एठी तो एठी सब्सक्राइब जो दबे दबो आउ जो बेल आइकन अछि सेटा को मध्य ये करले जहाँ मु प्रतिदिन आमे 5 मिनिट रु 10 मिनिट भितरे ही वीडियो हमरो रहइबो तो तमे सब्सक्राइब करले तुमको ऑटोमेटिकली एडा जो नोटिफिकेशन पड़े बजे आमे वीडियो जेते बेले छाड़ीबो तुमको ऑटोमेटिकली वीडियो जो रो इनफॉरमेशन पड़ेबो तो तमे तुमको प्रॉब्लम होबनी तमे आराम से हमरो वीडियो जो सीरीज देखी परिबो जोटा कि आमे 5 टू 10 मिनट्स भीतर ही रखिबू तो जोथरे कि मैक्सिमम प्रति वीडियो रे हमरो 5 रु 10 टा क्वेश्चन मिनिमम डिस्कशन रहइबो प्रीवियस ईयर ओके तो एमती करकी आमे टोटल पूरा ओपीएससी रो सब कवर करबू आ आगो को जाई कि जो प्रीवियस ईयर जो ओएसएससी एग्जाम बे अछि तार मध्ये क्वेश्चन डिस्कशन करा हबो ओके तो एटा थिला तो एठी जो माने चाहु चंदी तो सब्सक्राइब करि परिवे ओके तो मु ऑन एकेडमी रो मध्य जणे एजुकेटर जोथरे कि मु तांग प्लस कोर्स रे ओपीएससी रो हमर जो प्लस कोर्स अछि तो ऑन एकेडमी रे त मु सेठी पढ़ो छी ओके तो आमे लेट्स स्टार्ट तो हमरो फर्स्ट क्वेश्चन ओके जोडा कि हमरो ओएस 2018 रे पडिथिला ओके तो जोथरे ओएस 2018 रे क्वेश्चन पडिथिला जोथरे कि फर्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी इज लोकेटेड इन तो हमर जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी कोठी अछि ना ऑप्शन होची आसाम त्रिपुरा मेघालय एंड उत्तर प्रदेश ओके तो जो माने वीडियो देखु चंदी से माने कोन करिवे करिवो ना फर्स्ट हमरो तमे आंसर टा आगो कोन हबो आगो वीडियो पॉज करिकिनी आंसर दबो ता परे क्वेश्चन आंसर देखिबो ताकि तमरो प्रैक्टिस हे जिवो ओके तो हमरो जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी अछि ना हमरो आसाम रे अछि तो हमरा आंसर हे जिवो ए आसाम ओके तो हमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ओके तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ विषय भी किछि जानिबा ओके तो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा कोन जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉलिंग अंडर दुब्री एंड कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ओके इट फेमस फॉर द गोल्डन लांगूर एठी बहुत गोल्डन लांगूर देखा होचंती एंड इज द सेकंड प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर गोल्डन लांगून इन इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके तो आम आसाम रे कौन कौन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी नेशनल पार्क अछि सेटा मध्य टिके देखि देबा ओके तो हमरा आसाम रे पांचटा नेशनल पार्क अछि तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण प्राय एथरु दीटा होची हमरो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे मध्य अछि ओके तो फर्स्ट होची दिब्रु सिखुआ नेशनल पार्क देन हमरो काजीरंगा नेशनल पार्क अछि देन मानस नेशनल पार्क देन नामेरी नेशनल पार्क देन राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ओके तो ए जो दीटारु ए जो पांचटा नेशनल पार्क हमरा आसाम रे अछि सेथरु हमरो काजीरंगा और मानस जोटा हमरो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे ए दीटा को नेशनल पार्क यूनेस्को रो नेचुरल हेरिटेज साइट रे अछि तो प्लीज रिमेम्बर
कि काजीरंगा नेशनल पार्क आ मानस नेशनल पार्क आम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे अच्छी। ओके तो आम नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट हूँ आम ओएस 2018 पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हिच कंट्री हाज रीनेम्ड पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी आज द नॉर्थ नाटुना सी। तो आम ऑप्शन दे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपाइन्स। ओके तो जेहेतु एटा 2018 बहुत न्यूज रे थिला और साउथ चाइना सी सब हॉट टॉपिक प्राय टाइम माने वर्ष सारा न्यूज रे रहउछि साउथ चाइना सी। ओके तो सेथिबाय क्वेश्चन पड़ी थिला, तो आम आंसर कौन हम आम देखा, तो होची जे आमर आंसर होची कौन ना होची साउथ चाइना सी किए देची ना इंडोनेशिया। ओके तो आंसर है जीवो ए जो ए इंडोनेशिया। ओके तो आमर साउथ चाइना सी रो ना जो इंडोनेशिया रे तार जो पार्ट पणुची साउथ चाइना रे। ओके तो सेटा से नॉर्थ नाटुना सी बोली ना देची। ओके तो इन जुलाई 2017 इंडोनेशिया रीनेम द नॉर्दर्न रिजेस ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन इन द साउथ चाइना सी एज द नॉर्थ नाटुना सी। तो प्लीज रिमेम्बर व्हिच इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इंडोनेशियन नाटुना रीजेंसी बॉर्डरिंग सर्दर्न वियतनाम्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके तो आम आंसर हो किएटा ना इंडोनेशिया आमर साउथ चाइना सी तार जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पार्ट अच्छी तो सेटा को सी नॉर्थ नाटुना सी रो ना दे। ओके तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ओके तो यहाँ हूँ आमर जो यही रेड लाइन देखुं, तो ये जो रेड लाइन हूँ आमर 9-dash लाइन। ओके जोटा कि आमर चाइना क्लेम करुच्छे जे यही टोटल एरिया हूँ टोटल जो साउथ चाइना सी रही ये जो 9-dash लाइन एरिया तक हूँ चाइनार। ओके किंतु कंट्रोवर्सी हूँ जे ये बहुत सारा कंट्री अच्छा जहाँ जो मैंने बॉर्डर सेयार कर साउथ चाइना सी को जमीक वियतनाम है, ताइवान है, ये हूँ आमर फिलीपाइन्स, देन तले मलेशिया अच्छी, इंडोनेशिया अच्छी, सिंगापुर अच्छी। ओके तो ये समस्ते आमर साउथ चाइना सी को बॉर्डर शेयर करसंती। ओके तो जोटा कि से बहुत कंट्रोवर्सी रे अच्छी जे मेजोरिटी पार्ट साउथ चाइना सी रो जो चाइना क्लेम करुची। ओके तो आमर इंडोनेशिया होची नॉर्थ नाटुना सी ता पार्टा को जो ना देची। ओके तो नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन ओएस 2018 पड़ी थिला। ओके द लाइन जॉइनिंग पॉइंट विथ इक्वल क्लाउड कवर इज कॉल्ड, तो आमर आंसर कौन हम ना जो ऑप्शन देची आइसो बार, आइसो नेफ, आइसो हाइट्स एंड आइसो टैग। ओके तो आम आंसर देखा, आमर आंसर है बी आइसो नेफ। तो आमर इक्वल लाइन जो जॉइन करुच्छे इक्वल क्लाउड कवर को जो लाइन जॉइन करुच्छे सेटा आमर कौन हम ना आइसो नेफ हम। सो आंसर है बी आइसो नेफ। ओके तो आम आइसो नेफ इज ए लाइन ऑन ए वेदर मैप और चार्ट कनेक्टिंग पॉइंट हैविंग सेम अमाउंट ऑफ अ क्लाउडिनेस। ओके तो सेमती हूँ आइसो बार, तो आइसो बार हूँ जमती लाइन जॉइनिंग इक्वल प्रेशर। ओके तो से भाया आमर आइसो हाइट, आइसो हाइट कौन ना लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ओएस 2018 पड़ी थिला। तो लोकेशन ऑफ अ सुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया बिकॉज कौन पाई ना ऑप्शन ए दोइजी चीप एंड अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ अ पावर, देन बी होजी हायर लेबर कॉस्ट, देन सी होजी वेल डेवलप्ड रेन नेटवर्क, देन डी होजी हाई यील्ड एंड हाई सुगर कंटेंट इन सुगर केन। ओके तो क्वेश्चन आंसर देखिया पूर्वर तुम ये वीडियो पॉज करके आंसर आगे करिया को ट्राए करिवो, तापरे जो जो आंसर देखिबे। ओके तो आमर आंसर है जीवो कम पाई ना आंसर होजी आमर डी, डी है जीवो हाई यील्ड एंड हाई सुगर कंटेंट इन सुगर केन। ओके तो आंसर है जीवो कारण साउथ रे साउथ इंडिया रे आमर अधिका यील्ड होची आउ तार हे जो सुगार केन रे सुगार कंटेंट मध्य अधिका रहउची। ओके तो एठी हम आंसर डी हे गला
the tropical climate of peninsular India results in higher yield per unit hectare of a land and higher sucrose content in peninsular grains. Okay, the next question dekhiba OS 2018 padithila jodi ki question hochi je the process that shape the earth surface is called kon ta amara option hochi je a re hochi geophysical process then hypographic process then c hochi tetrahydro process d hochi geomorphic process to kon na process that shape the earth surface amara eta ku geomorphic process boli kua jae to amara answer he jibo d okay तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन ना हमरो दो एंडोजेनिक आउ एक्जोजेनिक फोर्स अछि ओके तो एंडोजेनिक आउ एक्जोजेनिक फोर्स कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन अर्थ मटेरियल्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस ओके देन डायस्ट्रोफिक एंड वोल्केनिज्म जोड़ा का हमरो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ओके तो डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म होची हमरो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आ एक्जोजेनिक रो एलिमेंट को गुडा को ना लाइक वाटर आइस विंड ए या थ्रो रे हमरो अर्थ सरफेस ऊपर जो चेंजेस होची सेटा होची एक्जोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ओके कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल कैन बी कॉल्ड अ जियोमॉर्फिक एजेंट्स ओके तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग तो आमर एटा जो नेक्स्ट पार्ट आमे नेक्स्ट जो पार्ट टू रे आमे करिबा तो ए भलिया आमे जत्ते सब क्वेश्चन अछि सब उडाक प्रीवियस रे जहा जहा पढ़ी छि सब कंप्लीट करिबा तो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओके तो सब्सक्राइब कर देले कौन हम ना तुमको इजी हो जिते आमे वीडियो नेक्स्ट छाड़बू तुमको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जे जीवाहरी बेल आइकन भी दबे देथिले तुमको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पड़ेबो ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।